बट सबसे खास फीचर जो कि मुझे ग्रैंड विटारा का लगता है, बेस मॉडल से आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट दे दिया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल से आपको मिल जाता है। बट सिग्मा मॉडल कम बजट है ना, इससे प्यारी एसयूवी इस प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट में मिलने नहीं वाली। सो दोस्तों, अभी आपके सामने खड़ी इंडिया की मिड साइज सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग एसयूवी, और इसका ये ऐसा वेरिएंट है ना बेस मॉडल, जिसकी आप एक से डेढ़ साल पहले देखोगे ना तो इसके लिए एक अलग ही हाइप बनी हुई थी। और ये एक ऐसा बेस मॉडल है सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर करता है और सबसे कम प्राइस पॉइंट पे मिलने वाला है। आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2024 ग्रैंड विटारा का मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट सिग्मा। एक ऐसी एसयूवी जिसे मैं भी ओन करता हूँ डेल्टा वेरिएंट, बट आज हम सिग्मा का रिव्यू करने वाले हैं। इस एसयूवी के सारे फीचर्स आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जहाँ प्राइस पॉइंट की बात आती है ना, सिर्फ 10,80,000 रुपीज़ में आपको इसका बेस मॉडल मिल जाता है, जो कि राइवल्स में आप कंपेयर कर लो क्रेटा, सेल्टॉस, कुशा, एक टाइगून सबसे सस्ता है। इसी की एक तगड़ी राइवल आ जाती है टोयोटा की तरफ से, वो है हाईराइडर। उसके बेस मॉडल के लिए आपको अराउंड 35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे। बट ये जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना इंडियन मार्केट में, इस सेगमेंट में इससे ज्यादा फीचर्स कोई भी बेस मॉडल प्रोवाइड नहीं करता। सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करो यार, बेस मॉडल से आपको यहाँ पर काफी बढ़िया एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, साथ ही में यहाँ पर सिग्मा वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हालांकि हेलोजन के साथ है। आप जेटा वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको एलईडी मिल जाएगा, सिग्मा डेल्टा में फ्रंट पूरा सेम रहने वाला है। साथ ही में फ्रंट की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है पूरे क्रोम इंसर्ट्स के साथ। इसके इंजन की बात करें तो यही एक सबसे बड़ी यूएसपी बन जाता है इस एसयूवी को लेने के लिए, बिकॉज इसमें आपको मोस्ट ट्रस्टेड 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। यही इंजन आपको ब्रिजा में मिलने वाला है, अर्टिगा में मिलने वाला है, साथ ही में एसक्रॉस में भी यही इंजन आता था, सियाज में भी यही आता था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रस्टेड इंजन ये रहने वाला है। और बिलीव मी गाइस, इतना रिफाइंड है ना, इंसुलेशन तो आपको यहाँ पर देकर रखा है, बट केबिन में कोई भी नॉइस नहीं आने वाला है। अब पावर स्पेक्स की बात करें तो 101 पीएस की पावर एंड 136 एनएम ऑफ पीक टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करने वाला है। जहां पर माइलेज की बात आती है, मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहूंगा, सिटी में आपको 15-16 का माइलेज इजीली मिल जाएगा, साथ ही में आपको हाईवे पे 20-21 का भी मिल सकता है। अब ये जो मैंने फिगर्स बताए ना, वो इंडिविजुअल ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट अगर आप लाइट फुट चलाते हो तो आपको अच्छा खासा माइलेज ये गाड़ी डिलीवर करने वाली है। इस एसयूवी में आपको अराउंड 10 कलर चॉइसेस मिल जाती है, और स्पेशली ब्लैक कलर में तो यार नेक्स्ट लेवल ही लुक देती है। अब साइड प्रोफाइल आप ये चेकआउट करो, मतलब सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबी लगती है, मतलब जहाँ आप लुक्स चेकआउट करोगे 4345 mm की लेंथ आपको इसमें मिल जाती है। अब बेस मॉडल से सबसे खास बात क्या है पता है, अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो या टॉप मॉडल ले रहे हो जो कि 20 लाख प्लस जाता है, सब में आपको सेम 17 इंचेस के व्हील मिलने वाला है, और इसमें आपको बेस मॉडल से ही चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 215/60 R17 इंचेस के टायर बेस मॉडल से मिलते हैं। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, और ये आपको फुल बिग साइज एसयूवी वाला फील देने वाली जब भी आप इस गाड़ी को चलाओगे। यहाँ पर आपको क्लैडिंग प्रोवाइड करी है, साथ ही में देखो यार कलर तो बहुत सारे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कलर और सिल्वर कलर भी खड़ा था। बट जब भी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी ले रहे हो ना जो लो मेंटेनेंस हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार आप व्हाइट कलर के लिए जाओ। साथ ही में अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, 215 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो टकराने जैसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड एंड एडजस्टेबल ORVMs आपको मिल जाते हैं बेस मॉडल से, यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स भी देख सकते हो। साथ ही में आ जाते हैं इसके रियर की ओर, रियर से आप चेकआउट करो यार, सेगमेंट में सबसे खूबसूरत रियर प्रोफाइल इसकी लगती है, मतलब आप क्रेटा, सेल्टॉस, कुशा, टाइगून, हाई राइडर को भी आप देख लोगे ना पैरेलली, इतनी प्यारी रियर प्रोफाइल कौन सी भी गाड़ी की नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं गाड़ी ओन करता हूँ इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, ये जो कनेक्टेड टेल लैंप्स का फील है ना, मतलब सच में जो प्रीमियम एसयूवीज में आती है ना वही वाला लुक इसमें देती है। और जितनी भी गाड़ियां आजकल कनेक्टेड टेल लैंप्स दे रही है, बट ये वाला फील वो प्रोवाइड नहीं कर पाती। बेस मॉडल से आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, डिफॉगर्स भी आपको बेस मॉडल से मिलते हैं, एंड एलईडी सेटअप भी पूरा आपको रियर में बेस मॉडल से मिलने वाला है। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग देख सकते हो, साथ ही में 4 पार्किंग सेंसर्स और 2 एयरबैग आपका बेस मॉडल से स्टैंडर्ड फीचर रहने वाला है, जो कि सिग्मा डेल्टा में मिलता है। जेटा वेरिएंट लोगे तो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। फाइनली इसके बूट की बात कर लेते हैं, 373 लीटर की बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाती है, व्हील कैप्स भी कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं, हालांकि मैंने अभी लगवाए नहीं बिकॉज मैं आपको बेसिक पूरा बताना चाहता था। पार्सल ट्रे यहाँ पर नहीं मिलती, आप इजीली एज एन एसेसरी लगवा सकते हो। और ये देख सकते हो यार, तीनों हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है जिसे आप इजीली यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी कि 60-40 स्प्लिट सीट आपको बेस मॉडल से मिल जाती है। बूट लैंप वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलता, थोड़ी यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। डेल्टा वेरिएंट लोगे तो चार्जिंग सॉकेट भी आ जाएगा रियर में, बूट लैंप भी मिल जाएगा। स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो नीचे आप देख सकते हो आपको 17 इंचेस का स्पेयर व्हील मिलता है। गाइस, अगर आप बेस मॉडल की ओर जा रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, टॉप मॉडल वाले अलॉयज लगवा लेना, तो कहीं ना कहीं अलग ही फील आएगा आपको चलाने में, बिकॉज अलॉयज आपने लगवा लिए, ब्लैक रूफ करा लिया, तो उसके बाद कोई भी पता नहीं कर पाएगा बाहर से कि ये बेस मॉडल है कि टॉप मॉडल, बिकॉज आप आफ्टर मार्केट अलॉयज लगवाते हो ना तो अलग से पता लग जाता है कि बेस मॉडल लेकर लगवाए। टॉप
मॉडल वाला आपको शोरूम से अवेलेबल हो जाएगा। बेस्ट डील्स के लिए आप यूनितारा मोटर्स को कांटेक्ट कर सकते हो जो कि देवास मध्य प्रदेश में। चैनल का रेफरेंस दे दोगे तो आपको बेस्ट डील्स भी मिल जाएगी। हालांकि एक्सटीरियर हमने कवर कर लिया है, इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स बेस मॉडल से मिलते हैं ये हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये जो डोर ट्रिम आपको मिल रही है ना सेम आपको डेल्टा मॉडल में भी मिलने वाली। बेस मॉडल से आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का फीचर, यहाँ से आप ओआरवीएम को फोल्ड कर सकते हो, साथ ही में यहीं से आप एडजस्ट भी कर सकते हो एंड पावर विंडो लॉक मिल जाता है। अब देखो इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम तो नहीं मिलता बट कंपनी फिटेड आपको फ्रंट में दोनों स्पीकर्स मिल जाएंगे, तो आपको आफ्टर मार्केट जाके सिर्फ पीछे कंपोनेंट्स या स्पीकर लगाने, हालांकि आप इसे भी अपग्रेड करा सकते हो। बट सबसे खास फीचर जो कि मुझे ग्रैंड विटारा का लगता है, बेस मॉडल से आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट दे दिया है। अब ये एक एसयूवी है, शॉर्ट हाइटेड लोग भी चलाएंगे, टॉल हाइटेड लोग भी चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं सीट हाइट एडजस्टमेंट मस्ट फीचर है जो कि कंपनी आपको बेस मॉडल से प्रोवाइड कर रही है। और बैठने के बाद अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो बैठने का जो बोनेट का व्यू है ना, हमेशा आप इस गाड़ी को चलाओगे ना बिग साइज एसयूवी वाला फील आने वाला है। अब इस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ चला लो, इसको आप जब भी चलाओगे नेक्स्ट लेवल फील आपको आने वाला है। अब देखो मैं पर्सनली डेल्टा वेरिएंट ओन करता हूँ तो उसमें आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 7 इंचेस का, जिसमें आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सुजुकी कनेक्ट भी मिलता है। बेस मॉडल से आपको यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, दो बार प्रेस करूंगा तो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाएगा। सेम आपको मिलने वाला है जो कि डेल्टा वेरिएंट में मिलता है, जेटा में भी सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है। 8000 तक आरपीएम, 220 तक की स्पीड, सेंटर में एक एमआईडी शो कर रही है। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो, फ्लैट बॉटम तो नहीं मिलता बट यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के साथ मिल जाता है। डेल्टा वेरिएंट लोगे तो एक सबसे बड़ा फीचर आपको मिलने वाला है वो है क्रूज कंट्रोल, इसमें आपको नहीं मिलता। मारुति की कार्स में बाहर से भी आप नहीं लगा सकते हो। बाकी हेडलैम्प लेवलर यहाँ पर है, चारों एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल से आपको मिल जाता है जो कि सबसे बढ़िया बात लगी। यहाँ पर इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट आपको यहाँ पर मिलता है और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, ये भी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। 5-speed गियरबॉक्स मिल जाता है बेस मॉडल से। और क्या खास बात है, देखो वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिल रहा है, अपोजिट साइड भी वैनिटी मिरर बेस मॉडल से दे रही है कंपनी। मतलब यार इतने भर भर के फीचर्स दे दिए ना कंपनी ने इसमें। यहाँ पर आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है। मैं भी पर्सनली पहले सिग्मा मॉडल के लिए जा रहा था बट मैंने सोचा ठीक है यार थोड़ा बजट बढ़ा के डेल्टा ले लेते हैं, फीचर्स की दिक्कत नहीं आएगी। बट सिग्मा मॉडल कम बजट है ना, इससे प्यारी एसयूवी इस प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट में मिलने नहीं वाली। ग्लव बॉक्स की ओर आते हैं, यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाती है। डोर अभी लॉक है, बेस मॉडल से आपको रिक्वेस्ट सेंसर इसमें मिल जाता है। की को मैं प्रेस नहीं करूंगा, सिंपली बटन को प्रेस करूंगा दो बार और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो ये भी बेस मॉडल से प्रोवाइड करा है, काफी बढ़िया फीचर मुझे लगा। साथ ही में रियर की ओर आते हैं, रियर में देखो एक तो आपको यहाँ पर रियर एसी वेंट प्रोवाइड करें, साथ ही में आप यहाँ पर देखोगे ना गाइस 3 socket सीट बेल्ट्स के मिल रहे हैं, साथ ही में यहाँ पर एडजस्टेबल सीट है, आप थोड़ी सी पीछे यहाँ पर ले सकते हो आगे या थोड़ी सी पीछे, ज़्यादा रिक्लाइन हो सकती थी तो ज़्यादा बेटर रहता, वैसे ठीक है इनफ है। 3 adjustable हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और हेड रूम से रिलेटेड भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रियर में लैंप्स भी मिल जाते हैं। तो गाइस ओवरऑल तो सारे फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, बट जहाँ क्वेश्चन आता है ना इस एसयूवी को लेना चाहिए कि नहीं, गाइस अगर आपका बजट कम था, स्पेशली आपको एक पेट्रोल एसयूवी चाहिए थी, अच्छा खासा माइलेज चाहिए था, सेगमेंट में सबसे रिफाइंड गाड़ी चाहिए थी, सबसे अच्छे फीचर्स के साथ चाहिए थी, तो फॉर श्योर आप ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट के लिए जा सकते हो। आप यही क्वेश्चन मुझसे 1 साल पहले पूछते ना तो मैं बोलता आप इस गाड़ी को तो ले सकते हो बट वेटिंग इतनी है ना, बट आज की तारीख में आपको हर डीलरशिप पे विदिन 1 to 2 months ये गाड़ी मिल जाएगी। बट वही अगर आप टोयोटा पे जाओगे, यही बेस मॉडल हाईराइडर का लेने, ज्यादा वेटिंग रहने वाली है। और बाकी इंडियन मार्केट में बहुत सारे बेस मॉडल पे ज्यादा वेटिंग है बट ग्रैंड विटारा का सिग्मा मॉडल आपको 1 to 2 months में मिल जाएगा। ओवरऑल गाइज यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी ये वीडियो एक बार कॉमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।